नमस्कार। COVID-19 से लड़ाई में पूरा देश लॉकडाउन का पालन कर रहा है। इस दौरान बहुत से ऐसे पोस्ट और मैसेजेस वायरल हुए हैं जो कभी कोविड से बचने के तरीके बताते हैं तो कभी कोविड से इलाज के नुस्खे सुझाते हैं। ट्रस्ट न्यूज़ इन सभी प्रश्नों के जवाब आपके लिए लेकर आया है। आज इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर परमजीत सिंह। आपको बता दें कि डॉक्टर परमजीत सिंह दिल्ली NCR के बहुत ही प्रतिष्ठित फिजिशियन एवं नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो फोर्टिस नोएडा, फोर्टिस शालीमार बाग, मूलचंद, JP और BLP सुपर स्पेशलिटी जैसे अस्पतालों के साथ अपनी सेवा प्रदान कर चुके हैं और वर्तमान में यशोदा सुपर स्पेशलिटी गाजियाबाद, एटलांटा मेडिसिटी हॉस्पिटल वसुंधरा गाजियाबाद, प्रेम धर्म हॉस्पिटल वसुंधरा गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। अपने बहुचर्चित YouTube चैनल डॉक्टर एजुकेशन सिंप्लीफाइड मेडिकल एक्सप्लेनेशन के माध्यम से डॉक्टर परमजीत सिंह अपने व्यूअर्स को नई नई मेडिकल जानकारियों से अवगत कराते हैं। आइए हम इनसे अपने सवालों का जवाब जानते हैं। मैं हूं डॉक्टर परमजीत और ट्रस्ट न्यूज़ के हिमांशु वर्मा जी हमसे बात कर रहे थे। उन्होंने फिर हमने इंटरव्यू के लिए कहा, सो उनके कई सवालों के हमने जवाब दिए हैं। ये बता दूं मैं आपको, ये ट्रस्ट न्यूज़ बेसिकली एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसपे कोशिश होती है उनकी कि ये लोग जो फेक बातें हैं, जो फेक न्यूज़ है, उनका भांडा फोड़ें या उनके बारे में सत्य जानकर आपको बताने की कोशिश करें। सो ये अच्छा पहल है, अच्छी उम्मीद है कि ये सही बातें बताते रहेंगे और हमारी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं। सो हमारे तक बात आई थी, वो उनसे उन्होंने हमसे कहा कि सर कोरोना के बारे में कुछ बातें हमें बताइए, तो हम बात कर रहे हैं उनसे, उनके जो संवाददाता हमारे साथ हैं और उन्होंने उनके कई सवाल हैं जो सवालों के जवाब हम आपको भी देंगे। सो उम्मीद है आपको सही सवालों के सही जवाब मिलते रहेंगे और गलत जानकारी से सभी दुनिया के हर एक स्रोत से आपको सही जानकारी मिले और गलत जानकारी से आप बचते रहें। हमारा पहला सवाल है, क्या धूप में रहने से नहीं होगा कोरोना? धूप में रहना नहीं रहना, कोरोना वायरस अगर आपके अंदर जाएगा तो धूप से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, वो कोरोना पनपेगा ही पनकेगा, वो आगे बढ़ेगा। सो धूप में कोरोना से कोई लेना देना नहीं, बस इतना है कि धूप के रहने से अगर बाहर रहा कोई भी सरफेस, बाहर किसी भी चीज़ के ऊपर कोरोना वायरस है, किसी ने छींक दिया, खांस दिया और वो बाहर जाके किसी सरफेस के ऊपर कोरोना वायरस गिर गया, तो उस सरफेस के ऊपर से कोरोना वायरस जल्दी मर जाएगा, नहीं डीएक्टिवेट हो जाएगा। धूप में रहने से ये फर्क पड़ेगा। डॉक्टर साहब, हमारा अगला प्रश्न है कि क्या एक बार संक्रमित हो जाने पर ये वायरस जीवन भर हमारे शरीर में रहेगा? एक बार अगर आपके अंदर कोरोना वायरस होगा तो वो आपके अंदर इम्यून सिस्टम एक्टिवेट करेगा। पहले कोरोना वायरस पनपेगा, अपनी कॉपीज बनाएगा अंदर, उसके बाद इम्यून सिस्टम आता है, वो कोरोना वायरस को और उनके बने हुए जो सेल्स हैं उनको मार देता है। इस बीच अगर आपका शरीर पे हावी हो जाता है कोरोना वायरस, तो कई बार ऐसे होता है कि आपके अंदर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, दूसरी जीवाणुओं का इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके वजह से और साइटोकाइन स्टॉर्म जैसे आपके शरीर के हैवी रिएक्शन के वजह से कुछ लोगों की जान चली जाती है। सबकी नहीं जाती, 80-90% लोग बड़ी आसानी से बिना किसी इलाज के ठीक हो जाते हैं। कुछ लोगों को अस्पताल में ठीक होना पड़ता है, कुछ लोग ICU तक, वेंटिलेटर तक पहुंच जाते हैं, नहीं बचते। लेकिन कोरोना वायरस अभी तक ऐसा कोई पुष्टि, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि आपके शरीर में बैठा रहेगा और सालों तक, जैसे कुछ वायरसेस करते हैं, कोरोना वायरस के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं है, वो नहीं। अगला सवाल है, क्या 10 सेकंड तक सांस रोकने पर अगर कोई समस्या ना हो तो क्या हमें कोरोना नहीं हो? बिल्कुल भी नहीं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अपने वीडियो में कि सांस रोकना कोरोना वायरस के लिए किसी भी प्रकार का टेस्ट नहीं है। यहाँ पर कुछ लोगों ने अपना दिमाग लगा के ये क्रेस अपने आप बना दिया कि आप अगर सांस रोक पा रहे हैं तो ये पॉसिबल है कि आपके लंग्स में डैमेज नहीं हो रहा है, और अगर इस मौसम में जहाँ कोरोना वायरस फैल रहा है अगर आपके लंग में डैमेज हो रहा है तो आप जब जितनी सांस रोक सकते थे उससे कम रोक पाओगे। इसीलिए किसी ने उठा के 10 सेकंड, किसी ने 40 सेकंड, किसी ने 60 सेकंड करके घोषित कर दिया कि ये टेस्ट है भैया, लेकिन ये ऐसा कोई टेस्ट नहीं है। सो सांस रोकना नहीं रोक पाना, ये आपकी फिजिकल क्षमता पे डिपेंड करता है। आप स्मोकिंग करते हो, अस्थमा है, कोई प्रकार की लंग की बीमारी, एलर्जी कंडीशन है, आप तब भी नहीं रोक पाओगे, तो आप कोरोना है नहीं बोल सकते सांस रोकने से, या आपको खांसी नहीं आती है, तो इसी चीज़ नहीं है किसी भी एंगल से। अगला प्रश्न है,
कि क्या गर्म जगहों पर कोरोना नहीं होगा? गर्मी का धूप का इससे कोई लेना देना नहीं है, फैल सकता है। एक इंसान जब खांसेगा तो वो कोरोना वायरस बाहर आएगा। अगर आप सामने खड़े हैं, मास्क नहीं पहना, तो आपके मुंह पे आ जाएगा, आपके हाथ में आया, आपने हाथ मुंह में लगाया, आप पे आ जाएगा। गर्म है, गर्म जगह है, तो कोरोना वायरस आपके हाथ पे 4 घंटे की जगह 1 घंटे तक जिंदा रहेगा, लेकिन रहेगा, जिंदा मतलब एक्टिव रहेगा, लेकिन रहेगा। गर्मी में कोरोना वायरस जल्दी इनएक्टिवेट हो जाता है, दैट डज नॉट मीन, उसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना वायरस आपको दिक्कत नहीं करेगा। डॉक्टर साहब, क्या ठंडी जगहों पर जाने से कोरोना नहीं होगा? जैसे मैंने आपको बताया, ना गर्मी ना सर्दी, उसका इसके ऊपर कोई लेना देना नहीं है। आपके अंदर अगर कोरोना वायरस है तो आपके अंदर वो जीवित रहेगा, चाहे बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो। आपके अंदर खुद का थर्मोस्टैट है, जो आपका अंदर का बॉडी टेम्परेचर ऊपर नीचे नहीं होने देता। फीवर होता है, वो कोरोना वायरस को मारने का काम करता है, तो फीवर को आपको मैनेज करना है। फीवर को मैनेज का मतलब है, ऐसा नहीं कि फीवर को 102 के ऊपर जाने दे, 100-101 के ऊपर नहीं जाने देना है फीवर को। उसके लिए आपको दवाइयाँ दी जाती हैं मैनेज करने के लिए। फीवर डज नॉट नीड्स टू बी किल्ड, इट नीड्स टू बी मैनेज्ड। क्या निमोनिया में दी जाने वाली वैक्सीन कोरोना के लिए भी कारगर है? निमोनिया में दी जाने वाली जो वैक्सीन है, जो फ्लू वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा, H1N1, स्वाइन फ्लू की जो वैक्सीन है, वो कोरोना के लिए कारगर नहीं है। लेकिन ये बहुत जल्द बहुत देखा गया है कि किसी किसी को कोरोना और निमोनिया और स्वाइन फ्लू या दूसरा फ्लू एक साथ हो जाता है। जब दो वायरस एक साथ जाएंगे तो आपकी इम्यून सिस्टम के लिए दुगना खतरा होगा, अच्छा नहीं होगा। इसीलिए आपको फ्लू वैक्सीन भी लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या लहसुन हल्दी के सेवन से कोरोना नहीं होगा? भी नहीं, ऐसा नहीं है। लहसुन और हल्दी खाने से आपका बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स जाएंगे, कुछ इम्यूनिटी आपकी बढ़ेगी, आपकी कोरोना से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, राइट? आप अगर अपने सरहद पे खड़े हर एक फौजी को AK-47 दे दोगे, तो उसका मतलब क्या पाकिस्तान हमला नहीं करेगा? नथिंग अगेंस्ट पाकिस्तान, बट देन द पॉइंट इज, झगड़ा होना है तो हमला होना है तो हमला होगा। आप सिर्फ अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग कर सकते हैं। जी हाँ, ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रांग बनाती हैं, तो ये करनी चाहिए। उसका मतलब नहीं है कि आपके अंदर कोरोना नहीं आएगा। क्या ये बीमारी सिर्फ वृद्ध लोगों में फैलती है? नहीं, ये बीमारी सबको होती है। जिनके अंदर ऑलरेडी इम्यूनिटी कम है, जिनकी ऑलरेडी इम्यून शक्ति कम है, उनको ये ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है, उनके ऊपर हावी हो सकती है। जो ऑलरेडी बीमार है, उनको बच के रहना है, उनको हेल्दी रहना है। इसीलिए आपको अपने आप को हेल्दी रखने की कोशिश करनी है। अच्छी नींद लीजिए, अच्छा आहार लीजिए, अच्छा खाना खाइए, एक्सरसाइज करिए, पानी पीजिए, बहुत ज़्यादा पानी पीजिए, और सबसे जो प्रिकॉशंस रखने को बोला गया है वो रखिए। हाथ धोइए, दूर रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए, लोगों से 1 फुट की दूरी बनाइए, खांसते समय मास्क पहनिए या बगल में खांसिए, और घर से बाहर निकलते तो मास्क पहनिए, बहुत ज़रूरी है ये सब करना। ये भी बताइए कि कोरोना वायरस से बचाव की दवा आखिर है क्या? ओके, कोरोना वायरस को ठीक करने की कोई दवा नहीं है। आपका इम्यून सिस्टम खुद उसको ख़त्म कर सकता है, लेकिन क्योंकि आप पहले से बीमार हो, इसीलिए आपके ऊपर कोरोना वायरस हावी हो जाता है। कई सारे लोग जो ऑलरेडी, ज़्यादातर लोग जो मोटे हैं, जो इनएक्टिव हैं, उन लोगों के ऊपर ये हावी हो रहा है। जो बूढ़े हैं, उनका डेथ रेट ज़्यादा है, उनके ऊपर ये दिक्कत ज़्यादा कर रहा है। तो इसीलिए आपको अपने आप को फिट करने की कोशिश करनी है। उसके लिए आपको जो समझ आता है आप वो करिए, अपने डॉक्टर से बात करिए, वो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझाएंगे, और आप उनसे समझ के ये सब कर सकते हैं। एक और सवाल है डॉक्टर साहब, क्या एंटीबायोटिक खा के कोरोना ठीक हो जाता है? बिल्कुल नहीं, कोरोना वायरस पर एंटीबायोटिक का शून्य असर होता है, शून्य, ना, निल, एक बार बिल्कुल भी नहीं। कोरोना वायरस के ऐसे पेशेंट जो अस्पताल में भर्ती होते हैं, जो आईसीयू में होते हैं, उनको एंटीबायोटिक दिया जाता है, क्योंकि वहाँ आईसीयू का इन्वायरमेंट ऐसा होता है जहाँ पर वो आसानी से दूसरा कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, वहाँ पेशेंट है वो खांस रहा है, यहाँ पेशेंट है वो खांस रहा है, कितना भी हम उनको मास्क दें, कितना भी वहाँ पे हम वेंटिलेशन सही से रखें, लेकिन बैक्टीरियल दूसरे सेकेंडरी इन्फेक्शन के रिस्क होते हैं। इसीलिए एंटीबायोटिक कवर दिया जाता है, ये बहुत ज़रूरी है ये देना अस्पतालों में, घरों में ये देना ज़रूरी नहीं है। कोरोना वायरस पे एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता। तो ये हुई बातचीत, कोरोना वायरस के कई सवाल जो हमसे पूछे गए, जो के ट्रस्ट न्यूज़ द्वारा। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई, ट्रस्ट न्यूज़ चैनल भी है यूट्यूब पे, और बहुत सारे ये हैं। मैं उम्मीद करूंगा अपने तरफ से कि ये लोग आज भी और आगे भी बिल्कुल अच्छे से आपको सही जानकारी दिखाते रहें जो ये कर रहे हैं, और आप जाके इनको चेकआउट कर सकते हो और फॉलो कर सकते हो। मैं हूँ डॉक्टर परमजीत, थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी। थैंक यू डॉक्टर साहब, हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए।
ऐसी अन्य जानकारियों के लिए हमें सोशल मीडिया पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं।